हेलो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप प्राइवेसी में आए हैं कुछ नए अपडेट, कुछ नए फीचर्स ऐड किया गया है जो हर एक यूज़र के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो अपडेट है पहले कुछ लोगों को मिला था, बट फाइनली ये व्हाट्सएप अपडेट सभी को ये फीचर्स मिल चुका है व्हाट्सएप के अंदर। तो कौन सी फीचर है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ बताऊँ डिटेल्स में जो क्या है नया अपडेट, क्या है नया फीचर्स, इसको आप लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों क्या इंटरेस्टिंग चीज है बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले दोस्तों एक लाइक तो बनती है, वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। तो दोस्तों आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने से पहले दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर चेक करना है कि आपका व्हाट्सएप अपडेट है या नहीं। देखिए दोस्तों आपको पहला सेटिंग्स क्या करना है, व्हाट्सएप अपडेट कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ओपन करना है। इसमें दोस्तों काफी ज्यादा अपडेट आया है, फीचर्स आया है प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर। तो आप लोगों को क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहां जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को प्राइवेसी ओपन करना है, जैसे आपको अकाउंट्स प्राइवेसी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं सभी सेटिंग्स बताऊंगा और नए अपडेट क्या, नया फीचर्स क्या ऐड किया गया है सभी यूजर्स के लिए, जो कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है दोस्तों, देखिए नया अपडेट यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यहां पे देखिए दोस्तों ये जो लास्ट सीन काफ़ी न्यू अपडेट है। काफ़ी ये अपडेट मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट पहले सभी को नहीं मिला था, अब फाइनली सबको मिल चुका है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद पहले हमें इसमें तीन ही ऑप्शन देखने को मिलता था कि हम अपना लास्ट सीन किन किन को दिखाना चाहते हैं। एवरीवन रहता था, पहले सभी को देख सकते थे। माय कॉन्टैक्ट मतलब जो मैंने इसका नंबर सेव किया है सिर्फ वही मेरा लास्ट सीन देख सकते हैं, या नोबडी मेरा लास्ट सीन कोई भी नहीं देख सकता। बट इसमें नया फीचर्स ऐड कर दिया गया है दोस्तों। इसमें नया फीचर्स क्या ऐड किया गया, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, इसका मतलब होता है कि दोस्तों मैं कुछ लोगों से 2, 4, 1, 2, 5, 10 लोगों से अपना लास्ट सीन छुपाना चाहता हूं, बाकी सभी को दिखे। ये फीचर्स पहले नहीं था, आप सभी को दिखा सकते थे नहीं तो सभी से छुपा सकते थे, बट अब क्या है, कुछ लोगों को दिखा भी सकते हैं, कुछ लोगों से छुपा भी सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा भाई गर्लफ्रेंड कोई भी, आप रात तक चैटिंग करते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, वैसे मैं आपका बड़ा भाई या मम्मी पापा देख ले या कोई टीचर देख ले जो इतने रात को ऑनलाइन क्या कर रहा है, तो फिर दोस्तों ऐसे में आप इसमें एक सेटिंग कर लीजिए, यहाँ पे करके वो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिन लोगों को आपको लास्ट सीन चाहते हैं कि ना देखे, आप लोगों को उनको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है यहाँ से। अब वो लोग आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे, बाकी सभी आपका लास्ट सीन देख पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर। ये फीचर सभी को मिल चुका है, व्हाट्सएप ने फाइनली बता दिया है। तो ये फीचर्स दोस्तों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब रात को चैटिंग कर रहे हो। सेकेंड फीचर्स क्या है दोस्तों, इसमें सेकेंड फीचर्स है दोस्तों प्रोफाइल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरी प्यारी सी बहनें, कोई भी बॉय भी भाई भी। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे भी पहले तीन ही ऑप्शन था, इसमें भी चौथा ऑप्शन ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों एवरीवन माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड नोबडी, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए पहले क्या था एवरीवन मतलब मेरा प्रोफाइल सभी देख सकते हैं, माय कॉन्टैक्ट मतलब मैंने जिसका नंबर सेव किया है सिर्फ वही देख सकते हैं, या नोबडी मेरा प्रोफाइल कोई नहीं देख सकता। बट इसमें भी चौथा नया अपडेट आ चुका है, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ फोटो लगाना चाहता हूँ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ फोटो लगाना चाहता हूँ, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगाना चाहता हूँ प्रोफाइल पे, बट कुछ मामा मामी चाचा बुआ जो भी है आप लोग चाहते हो वो प्रोफाइल ना देखे, बाकी सभी देख पाए, तो क्या करना है आप लोग को, उनको क्या करना है, यहाँ पे टैप करके उन लोगों को आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। वो लोग आपका प्रोफाइल नहीं देख पाएंगे, या आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड या कोई भी जिसको भी आप चाहते हैं कि प्रोफाइल ना देखे, आपको सेलेक्ट करके कर देना है। तो उनसे क्या होगा, वो प्रोफाइल आपका नहीं देख पाएगा। तो ये था दोस्तों अपडेट। अब जानते हैं इसमें फीचर्स नंबर 3rd अबाउट। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे भी टैप करना है। यहाँ पे भी टैप करने के बाद दोस्तों इसमें भी आप चाहते हैं कि आपका अबाउट कौन कौन देख पाए, एवरीवन माय कॉन्टैक्ट, या आप कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, माय स्टेटस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड ओनली सी विथ मी, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैंने जिसका नंबर सेव किया वही मेरा स्टेटस देख पाए, या माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरा स्टेटस नहीं देख पाए, जैसे मैंने अपने मम्मी पापा बुआ सबको हाइड कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वो ना देख पाए, तो वो यहाँ से आप लोग सेकेंड नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं।
थर्ड नंबर दोस्तों, ओनली सी विथ मी, मतलब मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही देखे और कोई ना देखे, तो आप लोग ओनली सी विथ मी पे क्लिक करके सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फीचर्स। उसके बाद हम जानते हैं इसमें एक और फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए रीड शिफ्ट। इसका मतलब होता है कि दोस्तों आपको किसी ने मैसेज भेजा, आप लोग उस मैसेज को रीड कर लिए, सामने वाले पे ब्लू टिक भी नहीं जाएगा अगर आप लोगों ने इसको ऑफ कर रखा है। और इससे क्या होगा कि ऑफ करके आप किसी का सामने वाले का स्टेटस देखते हैं तो उसका आपका नाम शो नहीं होगा कि आपने स्टेटस देख लिया है। तो आप लोग चाहते हैं किसी के चोरी छिपके स्टेटस देखना है तो इसको ऑफ करके देख सकते हैं, फिर इसको ऑन कर लीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग था। उसके बाद क्या है इसमें दोस्तों, डिसपेयरिंग मैसेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों आप किससे चैटिंग कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको विश्वास नहीं है सामने वाले पे, नए नए बंदा है या जो भी है, तो आप लोग उसको क्या कर दीजिए, डिसपेयरिंग मैसेज 24 घंटे का ऑन रखिए। इससे क्या होगा कि सामने वाले का मैसेज फ़ोन से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा 24 घंटे बाद। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स था। उसके बाद दोस्तों ग्रुप का, इसमें ग्रुप का क्या मतलब है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को फालतू ग्रुप में कोई भी ऐड कर देता है, स्पैमिंग ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में, तो आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है। इसमें तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, एवरीवन मतलब आपको कोई भी ग्रुप में ऐड कर सकता है किसी भी ग्रुप में, माय कॉन्टैक्ट मतलब मैंने जिसका नंबर सेव किया सिर्फ वही मेरे को ग्रुप में ऐड कर सकता है, या माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड मतलब मैं कुछ ही लोगों को परमिशन दूंगा जो मेरे को ग्रुप में ऐड कर पाए, बाकी फालतू लोग ना कर पाए। तो आप लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें है कि आप लोगों ने किन किन को ब्लॉक मारा है, वो भी आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस किस को ब्लॉक मारा है। उसके बाद यहां पे फिंगरप्रिंट लॉक, अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो काफी पुराना सिस्टम है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से फिंगरप्रिंट ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लग जाएगा। आप लोग लॉक कितने देर में लगाना चाहते हैं, इनिशेंट मतलब तुरंत, 1 मिनट में 30 सेकंड, और उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सो योर कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन, ये आप लोग को इसको एनेबल रखना है। तो आप लोग जो ऊपर से मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, आप लोग उसको ऑफ रखिएगा तो कोई भी मैसेज मतलब यूँ ऊपर करके नहीं पढ़ सकता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग था। तो ये थे दोस्तों हमारे व्हाट्सएप की प्राइवेसी फीचर्स, ऑल फीचर्स बताया मैंने डिटेल्स में, जिसमें कुछ नए नए अपडेट भी आए हैं, कुछ कुछ पुराने अपडेट थे, कुछ पुराने फीचर्स थे जो बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़र को नहीं पता। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनते हैं, वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। वीडियो में एंडिंग करने से पहले दोस्तों, नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग मिस ना कर पाए। और कमेंट तो एक छोटी सी बनती है दोस्तों, कमेंट जरूर कर दे कि ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार सभी के पास फटाक से शेयर कर दो, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक वंदे मातरम।